करंट अफेयर्स में आज अप्रैल 2017 का सेकंड पार्ट डिस्कस किया जाएगा। इस पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है अमन नौसेना अभ्यास, अमन नेवल आर्मी एक्सरसाइज। अमन का अर्थ होता है शांति, और शांति का संदेश देने के लिए इस प्रकार के नौसैनिक अभ्यासों की श्रृंखला पाकिस्तान के द्वारा आरंभ की गई है। तो अमन नौसैनिक अभ्यास हमेशा पाकिस्तान के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इनमें बहुत सारे देशों को आमंत्रित किया जाता है, किंतु भारत इन नौसैनिक अभ्यासों में भाग नहीं लेता है। अमन नौसैनिक अभ्यासों का आरंभ सन 2007 से हुआ और सन 2007 से लगातार इनका आयोजन किया जा रहा है। दो वर्ष के पश्चात इनका आयोजन किया जाता है, यानी हर दो वर्ष के बाद इनका एक बार आयोजन होता है। 2007 के बाद 2009, 2011, 2013, 2015 और 2017 में हाल ही में इसका आयोजन पाकिस्तान के कराची क्षेत्र के समुद्री तट पर हुआ। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। तो ध्यान रखेंगे, अमन नौसैनिक अभ्यासों में कोई भी ब्रेक नहीं है, लगातार प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात इनका आयोजन होता है। इन नौसैनिक अभ्यासों में अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे देश भी भाग लेते हैं, और इन नौसैनिक अभियानों या इस प्रकार के अभ्यासों का उद्देश्य पाकिस्तान के अनुसार समुद्री क्षेत्र में समुद्री डकैती की घटनाओं को रोकना, समुद्री रास्ते से आतंकवादी घटनाओं को रोकना, और जो तस्कर संबंधी गतिविधियां रन हो रही है समुद्री क्षेत्र से, उनके संबंध में आपसी सहयोग से प्रशिक्षण और अभ्यास प्राप्त करना होता है। इस प्रकार अमन नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न होता है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत के द्वारा विकसित की जा रही है नेपाल में। तो नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है जिसे भारत विकसित कर रहा है, और यह पूर्वी नेपाल में जो नदी बहती है उसका नाम है अरुण नदी। तो अरुण नदी के पानी से ही भारत के द्वारा यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। इसकी अवधि रखी गई है 30 साल, शुरुआत का 5 साल का समय इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड रखा गया है। 2015 से 2020 तक इसका कंस्ट्रक्शन कार्य संपन्न होना है भारत के द्वारा, और फिर 2020 के पश्चात 25 वर्ष के लिए भारत इस जल विद्युत परियोजना को ऑपरेट करेगा, इसका संचालन करेगा। इस परियोजना से कुल 900 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी। इस 900 मेगावाट विद्युत में से 21.9% बिजली मुफ्त में फ्री में नेपाल को प्रदान की जाएगी, और शेष विद्युत की सप्लाई भारत अपने लिए प्राप्त करेगा। और इस विद्युत के माध्यम से भारत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के पूर्वी राज्यों में विद्युत की सप्लाई करेगा। चूंकि भारत का यह हिस्सा ऊर्जा और विद्युत की कमजोर आपूर्ति से गुजर रहा है, और इसका दुष्परिणाम इन क्षेत्रों के कम विकास के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए इन क्षेत्रों में अगर हमें औद्योगिक विकास करना है तब विद्युत की सतत सप्लाई करनी होगी। इसलिए भारत ने नेपाल के सभी जलीय संसाधनों पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया है। भारत की तरफ से इस जल विद्युत परियोजना का संचालन संबंधी कार्य किया जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार का एक जॉइंट वेंचर है, और इसके माध्यम से ही इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। भारत ने इससे पहले भी नेपाल के जलीय संसाधनों से जल विद्युत प्रोजेक्ट आरंभ किए हैं, और जिनके नाम है देवीघाट जल विद्युत परियोजना, त्रिशूली जल विद्युत परियोजना, कटारिया जल विद्युत परियोजना और फेबाटल जल विद्युत परियोजना। चूंकि नेपाल ने 5 साल पहले ही इस परियोजना को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बोली लगाई थी और भारत ने इस अंतरराष्ट्रीय बिडिंग या बोली प्रक्रिया को जीत लिया, और भारत का पक्ष काफी बेहतर रहा। इस प्रकार भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को प्राप्त किया था, और भारत किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि भारत की विदेश नीति का हिस्सा है कि भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ जहां भारत की सीमा टच करती है उनमें किसी अन्य देशों का दखल किसी भी रूप में होना नहीं चाहिए। इसलिए भारत ने बहुत बड़ी कीमत चुका करके इस जल विद्युत परियोजना को प्राप्त किया है। वरिष्ठ नागरिक बीमा पेंशन योजना, सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस पेंशन स्कीम।
वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा भारत सरकार ने 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं के संदर्भ में की है। तो 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी पुरुष और महिला वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं। सन 2017 से भारत सरकार ने इस योजना को आरंभ किया है और इसके माध्यम से भारत सरकार अपने बुजुर्ग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना चाहती है। इस योजना के संबंध में महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल वरिष्ठ नागरिक ही इसमें भाग ले सकते हैं और वरिष्ठ नागरिक अगर वन टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस योजना में 10 वर्ष के लिए, तब भारत सरकार उनके इन्वेस्ट किए गए मनी पर, धन पर 8% का रिटर्न प्रदान करेगी। 8% का रिटर्न या लाभ यह सरकार उनको पेंशन के रूप में देगी और यह पेंशन मासिक 1 महीने में प्राप्त की जा सकती है, हर महीने या 3 महीने बाद प्राप्त की जा सकती है, हर 6 महीने के बाद प्राप्त की जा सकती है या फिर 1 साल बाद प्राप्त की जा सकती है, यानी प्रति महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में या सालाना इस रिटर्न को और उस इन्वेस्ट को प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी सीनियर सिटीजन इस योजना के तहत यदि पात्र है तब वह यदि 7,22,000 रुपए लगभग जमा कराता है वन टाइम इस स्कीम के तहत, तब भारत सरकार उस बुजुर्ग व्यक्ति को लगभग 60,000 रुपए सालाना वार्षिक पेंशन प्रदान करेगी। और अगर वह 60,000 रुपए को 1 साल में नहीं लेना चाहते हैं तब सरकार उसे 5,000 रुपए महीने के माध्यम से यह पेंशन प्रदान कर सकती है। और यदि कोई सीनियर सिटीजन एक बार में ही 1,44,000 रुपए लगभग जमा कराता है तब उसको भारत सरकार पेंशन के माध्यम से 12,000 रुपए सालाना पे करेगी अथवा 1,000 रुपए महीने के हिसाब से उसको पेंशन प्रदान की जा सकती है। तो इस प्रकार सीनियर सिटीजन के भविष्य को देखते हुए उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने योजना आरंभ की है। इस योजना का आरंभ और संचालन भारत सरकार की एजेंसी LIC के द्वारा किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीवन बीमा निगम के माध्यम से इसको पूरा किया जाना है। कोबरा गोल्ड सैनिक अभ्यास, कोबरा गोल्ड सेना के जो अभ्यास हैं यह बहुपक्षीय सेना अभ्यास हैं, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी अप्रोचेबल आर्मी एक्सरसाइज हैं, क्योंकि इनमें सेना की सभी यूनिट भाग लेती है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, और इसके माध्यम से सेना के सभी अंगों के मध्य बेटर कोऑर्डिनेशन प्रूव किया जाता है। कोबरा गोल्ड सैनिक अभ्यास 1982 से लगातार किए जा रहे हैं, इनमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं हुआ है और इनका आयोजन हमेशा अमेरिका और थाईलैंड के नेतृत्व में किया जाता है, किंतु इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जाता है और इस बार 2017 में इसका आयोजन थाईलैंड में ही हुआ, 30 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। तो अमेरिका और थाईलैंड के नेतृत्व में भले ही इनका आयोजन होता है लेकिन अधिकांश देश इन कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं, क्योंकि इनमें सेना के तीन अंगों के मध्य किसी क्रिटिकल पोजीशन में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन किया जाना चाहिए उससे संबंधित प्रशिक्षण और ट्रेनिंग इसमें प्राप्त की जाती है। इसलिए कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है और भारत भी इनमें पार्टिसिपेट करता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, भारत सरकार ने हाल ही में इसे आरंभ किया है और इसका टारगेट ये है, लक्ष्य है कि मार्च 2019 तक भारत में हमें ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटली लिटरेट करना है, उन्हें डिजिटली साक्षरता प्रदान करनी है, जिससे ऐसे सभी व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के माध्यम से अर्थात मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से सभी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सीख सकें और उनको इसके माध्यम से सरकार ट्रेनिंग प्रदान करेगी। और इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किया जाएगा, भारत की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कुछ यंग व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाएगा और तब उन्हें IT साधनों के माध्यम से सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, यानी डिजिटली उनको लिटरेट किया जाएगा। तो 6 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को साक्षर करने के लिए सरकार ने अपना ब्लूप्रिंट बनाया है कि 2016 से 2017 के वित्तीय वर्ष में
25 लाख ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल लिटरेसी प्रदान की जाएगी और 2017 से 2018 के फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ 75 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 2018 से 2019 के वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रकार इन तीनों वित्तीय वर्ष के माध्यम से कंप्लीट 6 करोड़ भारतीयों को डिजिटल लिटरेसी प्रदान की जाएगी। चूंकि भारत सरकार ने इंडिया को डिजिटल इंडिया मिशन में कन्वर्ट करने का फैसला किया है और ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सूचना तकनीक के साधनों के मामले में काफी पीछे चल रहा है, तो ग्रामीण जनता को सूचना तकनीक के माध्यम से ज्यादा अटैच करने की दिशा में सरकार ने यह प्रयास आरंभ किया है, क्योंकि शहरी क्षेत्र पर तो सरकार का पहले से ही काफी फोकस बना हुआ है और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सूचना तकनीक का अधिकतम प्रयोग अपनी दैनिक जीवन में करती है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन और स्थापना सन 2010 में किया गया और यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। इस संस्था की स्थापना के लिए सन 2008 में रघुराम राजन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और रघुराम राजन की कमेटी ने ही इस प्रकार की टॉप लेवल की एक फाइनेंशियल एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की थी और इसी समिति की सिफारिशों पर 2010 में इसकी स्थापना की गई, किंतु यह वैधानिक संस्था नहीं है, स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, अर्थात इसे कानून बना करके स्थापित नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन ही इसकी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है भारत में वित्तीय क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उन सबको रेगुलेट किया जाए, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। इसलिए इस संस्था का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है और इसमें सदस्यों के रूप में वित्त विभाग का सेक्रेटरी, आर्थिक मामलों का सचिव, सेबी का चेयरमैन, इरडा का चेयरमैन, पीएफआरडीए का चेयरमैन और टॉप लेवल की जितनी भी वित्तीय संस्थाएं उन सबके चेयरमैन को इसमें सदस्य का दर्जा दिया जाता है और इसके माध्यम से इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाए, सभी संस्थाओं के मध्य में फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन का कार्य किस प्रकार से किया जाए और सभी संस्थाओं को भारत के विकास हेतु किस प्रकार से ज्यादा बेटर तरीके से मोबिलाइज किया जाए, उस संबंध में यह संस्था कार्य करती है। इस प्रकार भारत की सुपर रेगुलेटरी बॉडी है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, जो सभी वित्तीय संस्थाओं के कार्यों पर निगरानी रखती है और उन्हें आवश्यक निर्देश प्रदान करती है। सिप्री, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसकी स्थापना के लिए वहां के प्रधानमंत्री टेड एयरलैंडर ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिश की थी और उसके पश्चात ही इसकी स्थापना की गई। यह दुनिया के संबंध में रिसर्च संबंधी कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से प्रेरित होकर के इसकी स्थापना की गई है। जैसे यह दुनिया के विभिन्न देशों में यह बताता है कि दुनिया के कौन कौन से देश अस्त्र शस्त्रों का, हथियारों का आयात निर्यात बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं, दुनिया के किन देशों के मध्य में विभिन्न प्रकार के सैन्य असंतुलन और संघर्ष बने हुए हैं, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से फ्लो कर रहा है, रन कर रहा है, उसके संबंध में यह पूरी तरह से रिसर्च करता है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2017 में यह बताया गया है कि भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का, अस्त्र शस्त्रों का आयात किया और इसकी रिपोर्ट के बाद भारत की काफी आलोचना हुई, क्योंकि भारत में एक तरफ जहां दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण पाया जाता है, वह देश हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा 2017 तक अस्त्र शस्त्रों का निर्यात किया है अमेरिका ने और दूसरे स्थान पर रहा रूस। इस प्रकार सिप्री की रिपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। करंट अफेयर्स ऑन अप्रैल 2017 द पार्ट सेकंड, अमन नेवल आर्मी एक्सरसाइज, दीज आर्मी एक्सरसाइज आर कंप्लीटेड बाय द पाकिस्तान रेगुलरली, द अमन नेवल आर्मी एक्सरसाइज स्टार्टेड फ्रॉम 2007 एंड दीज आर्मी एक्सरसाइज completed every 2 years and so many nations participated in these naval exercise but India never participate in this army exercise. Arun 3
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज डेवलपिंग और कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इन नेपाल इन द ईस्टर्न नेपाल देयर इज अ अरुण रिवर वेयर इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग दिस हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक एंड द इंडिया विल गेट 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अराउंड 30 इयर्स इंडिया विल प्रोवाइड नेपाल 21.9% इलेक्ट्रिसिटी एट द फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय द सतलज वाटर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और द सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द हिमाचल गवर्नमेंट इंडिया ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड सो मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल देयर इज देवीघाट त्रिशूली कटारिया फेवाटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस पेंशन स्कीम द सीनियर सिटीजन हैव बीन डिफाइंड एज द पर्संस हैविंग एज 60 और मोर देन 60 इयर्स आर कॉल्ड द सीनियर सिटीजन द पेंशन स्कीम इज स्टार्टेड फ्रॉम द 2017 थ्रू दिस पेंशन स्कीम द सीनियर सिटीजन कैन गेट इन्वेस्टिंग देयर मनी फॉर 10 इयर्स रिटर्न एज 8% एंड द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इफ एनी सीनियर सिटीजन हु इन्वेस्टेड वन टाइम 7,22,000 अराउंड मनी कैन गेट 60,000 पेंशन एनुअली और 5,000 पर मंथ इफ एनी सीनियर सिटीजन इन्वेस्टेड वन टाइम 1,44,000 अराउंड कैन गेट पेंशन 12,000 एनुअली और 1,000 पर मंथ एंड द पेंशन स्कीम विल बी अवेलेबल एज मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और एनुअली दिस स्कीम विल प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी फॉर द सीनियर सिटीजन्स कोबरा गोल्ड आर्मी एक्सरसाइज दीज आर्मी एक्सरसाइज आर कंप्लीटेड बाई द अमेरिका एंड थाईलैंड एंड आर्मी एक्सरसाइज स्टार्टेड फ्रॉम 1982 फ्रॉम द 1982 और सिंस 1982 दे आर परफॉर्मिंग कंटिन्यू एंड देयर इज नो ब्रेक सिंस 1982 2017 द आर्मी एक्सरसाइज took place in Thailand and so many countries or nation participated in these army exercise. India also participate in this army exercise. Prime Minister Rural Digital Literacy Mission. The mission is started from 2016 and the target of this mission is to achieve digital literacy in rural areas. Around 6 crore rural peoples up to the March 2019 and the mission will complete its goal up to the 6 crore the rural Indians to literate digitally. For the financial year 2016 and 2017, 25 lakh rural Indians will digitally literate and in the next financial year 2017-2018, 2 crore 75 lakh person will be provided digital literacy and in 2018-2019, 3 crore rural peoples will provided the digital literacy. Thus, Government of India wants to complete its Digital India mission. That's why the rural India is lagging for a long period. That's why the Government of India is focusing on the rural India digital literacy. Financial Stability and the Development Council. The Financial Stability and Development Council, FSDC, is founded in 2010. It's an autonomous body. The first Raghuram Rajan Committee in 2008 recommended to founded such kind of super regulatory financial body. That's why the agency was founded. But it's not a statutory body because the FSDC is not founded through a parliamentary act or regulation. The chairman of this body is always Finance Minister of India and all the chairman of financial institutions have the
membership in this agency like Secretary of Finance Ministry and Secretary of Economic Affairs Department, Secretary of SEBI, Chairman of SEBI, Chairman of IRDA, Chairman of PFRDA are the integral members of this agency or body. The main objects of this body is to include all the financial institutions to brought at a public platform so that India can get the goal of financial inclusion. And this agency also provide a coordination between all the top financial institutions. SIPRI, S-I-P-R-I, Stock of International Peace Research Institute. SIPRI is a top level think tank, Sweden based. Stockholm is the capital of Sweden, and the SIPRI think tank was founded in 1966, and the Prime Minister of Sweden, Per Erlander, who recommended to found the such kind of think tank, that's why it was founded. The main object of this think tank to research about the armament, disarmament, conflicts between the global level, and the SIPRI regularly publish a report on the armament or disarmament. In 2017, the SIPRI have published or mentioned India is the top level nations who imported most of weapons from 2012 to 2016, and America have mentioned as the most exporter of the weapons, and Russia is the second. That's why India is criticized in this report, because the social problems of India are at large scale, like poverty, unemployment, malnutrition. That's why India should focus to abolish or eradicate such kind of social evils or problems. But India is importing or investing too much money to get the weapons. इस प्रकार अप्रैल 2017 के पार्ट सेकंड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया. अगले पार्ट में शेष टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थैंक यू, धन्यवाद.